1 नवंबर 2022 छात्रावास दिवस पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कन्या परिसर का भ्रमण किया। छात्रावास में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा छात्रावास दिवस कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि ज्ञानोदय छात्रावास परिसर को व्यवस्थित किया जाएगा। परिसर की साफ सफाई कराकर यहां वृक्षारोपण तथा फल फूल एवं सब्जियां लगाई जाएंगी। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास के विद्यार्थियों की होगी। कलेक्टर ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार बेटियों को आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में अवसर और सुविधाएं दे रही है। कक्षा 9वीं से ही छात्राएं अपने कैरियर का चुनाव करके उसके अनुरूप तैयारियां करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। अच्छा और पोषक भोजन के साथ खेल कूद गतिविधियों में भाग लें। बेटियों को आगे चलकर अपने कैरियर के साथ साथ घर परिवार की भी जिम्मेदारी उठानी है। इस दोहरी जिम्मेदारी के लिए हर बेटी का शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होना आवश्यक है। परिसर में बड़ी संख्या में मुनगे के पौधे रोपित कराए जाएंगे। मुनगे का उपयोग भोजन में अवश्य करें, इससे कई आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कलेक्टर ने कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर संजय सिंह, जिला संयोजक डीएस परिहार, प्राचार्य प्रभाकर तिवारी, रिपीट आचार्य प्रभाकर तिवारी, रीता त्रिपाठी, अधीक्षक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। बोलो 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 जाओ दीपे बाबा जी बताओ तो बता ना सबको किसका अभी हुआ है जैसे अभी अभी भाई तो मन कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों को तो इनके सामने बोलोगे नहीं सर ऐसी बात नहीं ठीक है ना सब अच्छा है सरकार ने जो लीकेज है ना उसका प्रॉब्लम तो होती नहीं से बना और क्या बनाओगे खाना अच्छा होता है आज का खाना छोड़ा तो नहीं हफ्ते में कार्य बनेंगे अच्छा खाना नहीं अच्छा आज स्थापना स्थापना दिवस है तो उस पर क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी कार्यक्रम होगा क्या कार्यक्रम होने वाला है क्या बताओ कलेक्टर सर मालूम तुम लोगों से मिलने आए हैं तुम लोग जान भी नहीं पाए ना हाँ कलेक्टर सर मिलने आए तुमसे क्या नाम है तुम्हारा नाम बताओ कहाँ के हो सतना जिला तो कौन सी कक्षा में हो नाइन्थ में यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं की जो है वो इसी बात से आए हो अच्छा और खाना कहाँ खिलाते हैं कैसा खाना मिलता है अच्छा। क्या मिलता आज क्या मिला था आज हलवा तो नहीं मिला नाश्ता हलवा बस अच्छा हलवा मिला है और कल रात में क्या मिला था डिनर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत आज हॉस्टल डे मनाया जा रहा है और इसमें आज हमने शहर के हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां कर रहे हैं साथ में हम लोगों ने यहां की जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनका भी परीक्षण किया है बच्चों की ज़रूरतों का आकलन किया है बच्चे के जो किचन है जो उनका कमरे हैं उनके बाथरूम हैं उनमें जो ज़रूरतें हैं उसका भी आकलन कर रहे हैं अभी पिछले सालों में काफ़ी हॉस्टल्स को ठीक किया गया है इस बार भी हम लोग जो विभाग के मद हैं और डीएमएफ के मद हैं उससे इन हॉस्टल्स को और खूबसूरत बनाएंगे ताकि बच्चे जो अच्छे वातावरण में रहे और अपनी प्रगति के लिए मेहनत करें खुश रहें खेलकूद की भी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं और उसको भी और बेहतर तरीके से करने की सारी कोशिशें की जा रही है।